अब हम देखते हैं व्हाट इज माइग्रेशन. ठीक है, दिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन अ स्टेट, अ कंट्री और इवन इंटरनेशनली. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया, बी इट स्टेट, अ कंट्री या विद इन कंट्री, तो उस एरिया में से कितने लोग वहाँ से चले जाते हैं, दे मूव समवेयर एल्स. ठीक, दिस इज नोन एज माइग्रेशन. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. इट इज़ इंटरनल माइग्रेशन वैन पीपल माइग्रेट विद इन देयर फैमिलीज लुकिंग फॉर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर और फ्रॉम अ रूरल एरिया टू अ सिटी. ठीक है, माइग्रेशन ऐसे भी होता है कि कोई गाँव से लोग सिटीज़ में आ जाते हैं. ठीक, वैन दे आर लुकिंग फॉर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, बेटर इनकम के लिए वो दे माइग्रेट टू सिटीज. सो दिस इज नोन एज इंटरनल माइग्रेशन. It is international migration when people move to another country to settle down permanently. ठीक है, आप सुनते हो कि यहाँ से लोग चले जाते हैं कैनेडा. ठीक, तो इंडिया से कैनेडा जाना एंड दे सेटल डाउन देयर परमानेंटली, वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं. सो दिस इज नोन एज इंटरनेशनल माइग्रेशन. माइग्रेशन में बी वॉलेंटरी और फोर्स. It is voluntary migration when people migrate for better opportunities or housing, both internal and external. ठीक है, जब people अपने मर्जी से जाना चाहते हैं, कोई गांव से सिटी में आना चाहता है, कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाहता है, तो दिस इज़ नोन एज voluntary migration. ठीक है, ये बोथ टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल. देर इज ऑल्सो वॉलेंटरी माइग्रेशन वैन पीपल माइग्रेट एज रेफ्यूजीज to other country to flee from floods and natural disaster. ठीक है, जैसे कि सुनामी आया था, तो जितने भी साउथ के लोग थे जो साउथ में रह रहे थे, दे वर अफेक्टेड बाई सुनामी, तो दे माइग्रेटेड एज रेफ्यूजीज टू अदर कंट्री. ठीक है, इंटरनली भी वो माइग्रेट किया विद इन इंडिया, एंड दे ऑल्सो माइग्रेटेड एज रेफ्यूजीज टू अदर कंट्री, एज अ नेबरिंग कंट्री. इट इज़ फोर्स्ड माइग्रेशन वेयर इंडिविजुअल हैव बीन एक्सपेल्ड बाई गवर्नमेंट्स ड्यूरिंग वॉर्स और पॉलिटिकल टर्मोइल और फोर्सिबली टेकन एज स्लेव और प्रिजनर. ठीक है, अब फोर्स माइग्रेशन क्या होता है, जब कोई गवर्नमेंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सपेल कर देती है कि आप यू विल नॉट बी अलाउड टू लिव इन आर कंट्री. ठीक है, या एक्सपेल कर देती है या कोई वॉर होती है तो उनको उस एक ग्रुप को उस वॉर के ड्यूरिंग उनको हटा दिया जाता है कि आप यू कैन नॉट फर्दर लिव इन आर कंट्री. ठीक है, ड्यूरिंग वॉर और पॉलिटिकल टर्मोइल. और उन लोगों को क्या किया जाता है, कभी कभी उनको स्लेव बना दिया जाता है या दे आर टेकन एज प्रिजनर. सो दिस इज नोन एज फोर्स्ड माइग्रेशन. ठीक है, जो वहाँ के लोग रह रहे थे, दे वर नॉट विलिंग टू माइग्रेट, दे वर नॉट विलिंग टू लीव देयर लैंड. सो दिस इज नोन एज फोर्स्ड माइग्रेशन, दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर लैंड. ठीक है, नाउ पुश एंड पुल. What has push and pull got to do with